नमस्कार, विदुनी समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। शंकराचार्य ने कहा कि शनि को बुलाया नहीं भगाया जाता है। शनि शिवनापुर विवाद पर टिप्पणी करते हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने गुरुवार को कहा कि शनि को बुलाया नहीं भगाया जाता है। शनि पूजा का विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि शनि की पूजा से कोई लाभ नहीं मिलता, शनि देवता नहीं ग्रह है। उल्लेखनीय है कि शनि शिवनापुर में महिलाओं के प्रवेश पर विवाद चल रहा है। भूमाता संगठन ने 26 जनवरी को मंदिर में पूजा का ऐलान किया था और संगठन की 400 से अधिक महिलाओं ने गिरफ्तारी दी थी। दूसरी ओर महंत नरेंद्र गिरी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत कई लोगों ने महिलाओं को मंदिर में प्रवेश देने संबंधी मांग का समर्थन किया था। तिरंगा फहराने वाले विराट कोहली के प्रशंसक को मिल सकती है कड़ी सजा। भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली के एक पाकिस्तानी प्रशंसक को इस क्रिकेटर के प्रति अपना प्यार जताने के लिए पंजाब प्रांत स्थित अपने घर पर तिरंगा लहराने के कारण 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है। पंजाब के ओकारा प्रांत स्थित 22 वर्षीय इंद्राज पेशे से दर्जी है और उसे बुधवार को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। इंद्राज को 26 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था, जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को एक T20 मैच में हराया था। इंद्राज ने भारत की जीत के बाद अपनी छत पर तिरंगा लहराया था। संजय मिश्रा फिर बने यूपी के लोकायुक्त। उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह को उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त करने का 16 दिसंबर का अपना आदेश निरस्त करते हुए अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश संजय मिश्रा को लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया है। शीर्ष अदालत ने अपना फैसला वापस लेते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति मिश्रा को यूपी का नया लोकायुक्त बनाया है। असम में ग्रेनेड हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल। असम में दीमा हसाओ जिले के हाफलोंग में गुरुवार तड़के ग्रेनेड हमले में कम से कम 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि अज्ञात अपराधियों ने भाजपा तथा कांग्रेस पार्टी के 2 नेताओं के आवास पर गोलीबारी की। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार अपराधियों ने हाफलोंग में तड़के एक पुलिस के गश्ती दल पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें हाफलोंग सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे पहले अपराधियों ने बुधवार देर रात 12:45 पर स्थानीय भाजपा नेता सेवन थाउजेंड के आवास पर गोलीबारी की। आर्थिक मंदी की चिंता में फेड रिजर्व ने ब्याज दरें स्थिर रखी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने पिछले साल अंत में आर्थिक विकास के सुस्त रहने और मुद्रास्फीति 2% के लक्ष्य से कम रहने का हवाला देते हुए बुधवार को समाप्त अपनी 2 दिवसीय मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरें यथावत रखने का फैसला किया है। तकरीबन 1 दशक बाद दिसंबर में ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की गई थी। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के बाद जारी बयान में भविष्य में दरें बढ़ाए जाने के बारे में कहा गया है कि आर्थिक विकास धीमा पड़ने के बावजूद श्रम बाजार में सुधार जारी है तथा दरें बढ़ाने के लिए फेडरल रिजर्व और आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।